नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आप पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी। जी हां, प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर आपने साफ मैसेज कर दिया है कि सभी सीटों में पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपकी दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम है। इससे पहले 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इसी के साथ ही सियासी गलियारों में छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी केवल सांकेतिक चुनाव लड़ने की खबर चर्चा में थी। इसका कारण इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया को मजबूत करना बताया जा रहा। छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची लगभग तय कर ली है। इसमें कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं, नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ पार्टी हाईकमान ने करीब 50 नामों पर मुहर लगा दी है। खास बात यह है कि साझा सीट से बीजेपी ईश्वर साहू को टिकट दे सकती है। ईश्वर साहू बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक भुवनेश्वर साहू के पिता है। इसके साथ ही राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, लोरमी से अरुण साव, धरसीवा से अनुज शर्मा और बसना से संपत अग्रवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ के अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह और नारायण चंदेल जैसे नेता शामिल रहे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आने वाली दूसरी सूची चर्चा में है। इस बीच कुछ नाम सामने आए हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बना सकती है। चर्चा में सामने आए संभावित नाम में सिंधी समुदाय से नाम नहीं दिखे हैं। इस वजह से अब समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। समाज की ओर से एक पत्र छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को भेजा गया है। माथुर के नाम लिखी गई चिट्ठी में समाज के पदाधिकारी ने कहा है कि सिंधी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने तिरस्कार किया है। समाज के लोग हमेशा भाजपा का समर्थन करते आए हैं, मगर एक भी व्यक्ति को टिकट ना दिए जाने की बात सामने आई है, जिससे समाज में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों के लिए बारिश के येलो अलर्ट की जारी किया है। जहां रायगढ़, जांजगीर और बलौदाबाजार जिले में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ 10 अक्टूबर से प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक बस्तर संभाग से मानसून की एंट्री होती है और उत्तर छत्तीसगढ़ से विदाई होती है। अगले 24 घंटे सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।